नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अजवाइन के फायदों के बारे में। अजवाइन किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप अजवाइन से किस प्रकार के फायदे उठा सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जो कि आपको अजवाइन से मिलेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये प्राथमिक चिकित्सालय के अंदर सबसे अच्छे रूप में माना जाता है। अजवाइन का सेवन करने से आपको विशेष प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अजवाइन के कौन कौन से फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों, इसका सबसे जो पहला फायदा होता है वो नशा मुक्ति के लिए रहता है। आपको अजवाइन का सेवन करने से आपको जो शराब पीने की इच्छा होगी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर शराब छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आधा किलोग्राम अजवाइन को 4 लीटर पानी के अंदर पका लें तथा उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 2 लीटर बचने तक आपको छान कर रख लेना है। इसे प्रतिदिन भोजन के बाद 1-1 कप आपको पीना है। इससे दोस्तों आपका लीवर भी ठीक रहेगा और शराब पीने की इच्छा भी बहुत ही कम हो जाएगी। दोस्तों, इसका जो दूसरा फायदा होता है वो होता है सर्दी जुकाम और पेट के रोगों के लिए लाभकारी रहता है। आपको क्या करना है, आपको अजवाइन को हल्का सा भूनना है। इसमें दोस्तों आपको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से दोस्तों आपको सर्दी जुकाम और पेट के रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, जिसका तीसरा फायदा होता है वो होता है पेट के कीड़ों को मारने के लिए अजवाइन का सेवन किया जाता है। 2 से 3 ग्राम अजवाइन को पाउडर को आपको छाछ के साथ लेने से पेट के कीड़े बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 3 ग्राम अजवाइन को आप छाछ के अंदर डाल के पियोगे तो आपके पेट के कीड़े बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसका जो चौथा फायदा होता है वो प्रसूति, यानी कि दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपको क्या करना है, आपको 10 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर पानी में पकाकर जब तक उसका 1/4 ना रह जाए तब तक इसको आपको उबालना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको अच्छी प्रकार से छानकर ठंडा कर लेना है। सुबह शाम प्रसूता स्त्री को पिलाने से प्रसूतिजन्य विकार नहीं होते हैं। इससे बड़े हुआ शरीर होता है जो उनका उसकी स्थिति में भी लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, अजवाइन का जो 5वां इस्तेमाल होता है वो होता है बालों के अंदर जो रूखी होती है उसको ठीक करने में अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको 10 ग्राम अजवाइन को बारीक पीसकर उसमें आधे नींबू को निचोड़कर रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर 5 ग्राम फिटकरी पाउडर और छाछ को मिलाकर बालों पर मलने से बालों की रूखी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर लीक और जुए भी मर जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। आप वहाँ पर जाकर हमको फॉलो करें और उसके बाद दोस्तों आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों, अपने सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।